नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम कैल्शियम डेफिशिएंसी और इनफर्टिलिटी में क्या कोई संबंध है देखेंगे पुरुषों और महिलाओं में। कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो बहुत सारे बॉडी के प्रोसेसेस के लिए जरूरी होता है, उसी तरह से रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। कैल्शियम डेफिशिएंसी होने की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है पुरुषों और महिलाओं में, और ये बहुत सारे मैकेनिज्म्स द्वारा इफेक्ट दिखा सकता है। पहले हम पुरुषों में देखेंगे और शुरू करेंगे स्पर्म फंक्शन और मोटिलिटी से। कैल्शियम आयंस बहुत जरूरी होती हैं स्पर्म मोटिलिटी के लिए और एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम क्या होता है? स्पर्म के ऊपर जो एक कैप जैसा होता है उसे एक्रोसोम कहते हैं, और ये एक्रोसोम जब अंडे के तरफ जाता है तो एक रिएक्शन जैसा होता है, उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है। और स्पर्म को एक कैल्शियम अधिक मात्रा से इन्फ्लक्स चाहिए, समझिए, ये सारे फंक्शंस ट्रिगर करने के लिए। और अगर कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो तो ये प्रोसेस नहीं हो पाता या ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्पर्म का मोटिलिटी भी कम हो सकता है और ये स्पर्म का जो एबिलिटी है अंडे के अंदर जाने का ये भी कम हो सकता है, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो ये प्रॉब्लम है कैल्शियम डेफिशिएंसी पुरुषों में होने से। एक और प्रॉब्लम है स्पर्म प्रोडक्शन में भी कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कैल्शियम टेस्टोस्टेरोन के सिंथेसिस में, रेगुलेशन यानी उसके ठीक से फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और टेस्टोस्टेरोन तो आप जानते हो एक प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत क्रूशियल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म प्रोडक्शन होता है, और अगर डेफिशिएंसी हो कैल्शियम का तो ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में बाधा आ सकती है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट और मोटिलिटी या क्वालिटी में फर्क दिख सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी बॉडी का जो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस होता है, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी टॉक्सिसिटी, ऐसा कुछ अगर हो तो उससे लड़ने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम होता है, और कैल्शियम उसके फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स के फंक्शनिंग में कैल्शियम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऐसा समझिए टॉक्सिसिटी, बॉडी में कम होता है। डेफिशिएंसी होने की वजह से ये जो सिस्टम है ये वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है बॉडी में, और स्पर्म का डीएनए, उसके मेम्ब्रेन्स, ये सब खराब हो सकते हैं और स्पर्म का वायबिलिटी और फंक्शन भी कम हो सकता है। स्पर्म के डीएनए इंटीग्रिटी के लिए, यानी कि स्पर्म का डीएनए अगर ठीक से काम करना है तो कैल्शियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। औरतों में देखते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है। अंडों की क्वालिटी और मैच्यूरेशन पे असर पड़ सकता है। कैल्शियम बहुत जरूरी होता है अंडों के मैच्यूरिटी के लिए, और ये बहुत सारे पाथवे, सिग्नलिंग पाथवेज के लिए बहुत जरूरी होता है। ये सिग्नलिंग पाथवेज क्या है, जैसे हार्मोन्स कहाँ से कहाँ आए, कब रिलीज हुए, कैसे इफेक्ट करे, किस दिन तक इफेक्ट करे, उसकी वजह से अंडा कैसे ग्रो होगा, डेवलप होगा, ये सारे कैल्शियम के इन्फ्लुएंस में भी ठीक से काम करना देखा गया है। अगर इनसफिशियंट कैल्शियम लेवल्स हो तो एग का क्वालिटी कम हो सकता है, फर्टिलाइजेशन कम हो सकता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पे भी असर पड़ सकता है। हार्मोनल रेगुलेशन के लिए भी जरूरी है। कौन से हार्मोन? कैल्शियम जो है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सेक्रीशन के लिए जरूरी होता है, स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम, और एंडोमेट्रियम को तैयार करने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि अगर एम्ब्रियो तैयार है और वहां पे आके चिपकने के चांसेस ज्यादा होने चाहिए तो कैल्शियम का भी लेवल अच्छा होना चाहिए बॉडी में। डेफिशिएंसी होने की वजह से ये बैलेंस खराब हो सकता है हार्मोन प्रोडक्शन में, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आने की वजह से मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज हो सकते हैं, अंडे के रिलीज होने में प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में भी इसका असर देखा गया है। कैल्शियम आयंस बहुत जरूरी होते हैं प्रॉपर यूट्रस मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, स्पेशली पीरियड्स के टाइम या डिलीवरी के टाइम। अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो तो ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो ठीक से नहीं हो पाते, और ठीक से पीरियड के टाइम ये ठीक से शेड भी नहीं होता। एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो जो पीरियड में बाहर निकल जाता है वो ठीक से नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है और एंडोमेट्रियोसिस पे इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। तो बहुत सारे रिलेटेबल फैक्टर्स हैं जिससे इनफर्टिलिटी हो सकता है अगर कैल्शियम लेवल्स कम हो बॉडी में। यही नहीं, बोन हेल्थ और प्रेगनेंसी पे भी असर हो सकता है। अगर कैल्शियम लेवल्स मेंटेन हो रहे हैं आपके बॉडी में तो बोन हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ठीक रहेंगे, जिसका ठीक रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फीटल डेवलपमेंट के दौरान। फीटल डेवलपमेंट जो आपके पेट में बच्चा पल रहा है उसके डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम के लेवल्स ठीक रहना बहुत जरूरी है। और अगर क्रॉनिक कैल्शियम डेफिशिएंसी हो तो वीकेंड बोन्स, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जो पेट से महिलाएं उनके प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सीवियर केसेस में तो फीटल डेवलपमेंट, बच्चे के ग्रोथ में भी प्रॉब्लम हो सकता है, और प्री टर्म बर्थ या लो बर्थ वेट के भी चांसेस होते हैं, जिससे बच्चे को भी और माँ को भी खतरा हो सकता है। सो देखा आपने कि कैल्शियम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है फर्टिलिटी में, इसीलिए आपको कैल्शियम ठीक मात्रा में मेंटेन करना चाहिए आपके आहार से, और अगर लेवल्स कम हो तो आपके डॉक्टर से संपर्क करके आपको दवाइयों के माध्यम से इस लेवल को ठीक करना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए।
थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।